What is the one myth about marriage that got busted as soon as you tied the knot? I mean, that you have sex on the first night. There's no such thing as Suhagrat. You're tired, except for extremely here. But I was exhausted. There's no such thing as a Suhagrat. You're so exhausted with everybody. You just want to go to sleep. This looks like a job for ass man. Yeah, except for ass man. दोस्तों कुछ वक्त पहले ही बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने कॉफी विद करण शो पर अपने एक इंटरव्यू में सोशली टैबू की तरह कंसिडर किए जाने वाले सेक्स आफ्टर मैरिज वाले सब्जेक्ट पर बातचीत करते हुए अपने पर्सपेक्टिव को साझा किया। इस दौरान एक ओपन माइंडसेट रखते हुए आलिया भट्ट ने अपनी फर्स्ट नाइट और सेक्स रिलेटेड दूसरी चीज़ों को खुलकर डिस्कस किया। सिमिलरली शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत ने भी अपने ऐसे ही एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि उनकी मैरिड लाइफ में सेक्स एक प्रायोरिटी है। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं, असल में ऐसे ढेरों टेस्टिमोनियल्स हैं जिनमें कई फेमस और नॉन फेमस पर्सनैलिटीज़ ने ये माना है कि सेक्स उनकी मैरिड लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एक ऐसे एस्पेक्ट जो उनकी लाइफ में लव, ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जैसे इंपॉर्टेंट हिस्सों को स्टेबल रखने में मदद करता है। हालांकि ये भी एक हार्श रियलिटी है कि आज भी हमारी सोसाइटी में मैरिज और उसमें सेक्स की इम्पोर्टेंस जैसे टॉपिक्स पर खुलकर बात नहीं की जाती। हाल ये तक है कि आज इंडियंस कपल अपनी जो अनहैप्पी मैरिज है उसके लिए अनहैप्पी सेक्स लाइफ को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को मॉडर्न कहने वाला हमारा समाज इस टैबू टॉपिक पर बात नहीं करता। बावजूद इसके कि आज से हज़ारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स द्वारा लिखी गई किताबों और उनके द्वारा बनाए गए आर्किटेक्चरल मास्टरपीसेज में इस सब्जेक्ट को ओपनली डिस्कस किया गया है। उदाहरण के लिए खजाओं में बनी सेक्स इमेजेस और आइडल्स इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि हिंदुइज्म की अर्ली फॉर्म में लाइफ क्रिएशन के इस प्रोसेस को लेकर काफ़ी लिबरल थाट्स मौजूद थे। सिमिलरली संस्कृत में वात्स्यायन द्वारा लिखी गई कामासूत्र में भी लव लाइफ और मैरिज में सेक्स को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। इसी तरह बाइबल में भी शादी के बाद सेक्सुअल फुलफिलमेंट को लेकर क्लियर डायरेक्टिव्स मेंशन किए गए हैं और कहा गया है कि शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपनी दूसरी सोशल ड्यूटीज़ की तरह ही मैरिटल ड्यूटीज़ को भी निभाना चाहिए। इसी तरह आज मैरिटल इश्यूज से डील करने वाले प्रोफेशनल्स भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि कई केसेस में उन्होंने ये पाया है कि जिन कपल्स की सेक्स लाइफ अच्छी नहीं होती, मीन्स जो कपल्स रेगुलर बेसिस पे अपने पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, उनके रिश्तों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज सबसे ज़्यादा होते हैं। ऐसे इश्यूज़ जो लॉन्ग रन में पार्टनर्स के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। यही कारण है कि प्रोफेशनल्स सेक्स को सिर्फ मैरिज एलिमेंट ही नहीं बल्कि हैप्पी मैरिज का एक स्ट्रॉन्ग टूल भी मानते हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सक्सेसफुल मैरिज लाइफ में सेक्स एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है? अगर हाँ तो क्यों हमारा समाज इस बेसिक लाइफ क्रिएटिंग प्रोसेस को घृणा यानी हेट की निगाह से देखता है? तो आइए आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को इनिशिएट करते हैं। दोस्तों सेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक इंटीग्रल पार्ट है जो हेल्दी मैरिज में बहुत क्रूशल रोल निभाता है। भले ही ये किसी सक्सेसफुल मैरिज का सोल फाउंडेशन नहीं है, लेकिन सेक्सुअल इंटीमेसी कपल्स के बीच बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है, साथ ही फिजिकल और इमोशनल बॉन्ड को भी एस्टेब्लिश करती है। साथ ही सेक्सुअल इंटीमेसी दो पार्टनर्स के बीच में ट्रस्ट डेवलप करती है और रिड्यूसिंग ट्रस्ट को भी रीगेन करने में हेल्प करती है। साथ ही दोनों पार्टनर्स के बीच बिना जजमेंटल हुए एक दूसरे के साथ ट्रू फॉर्म में रहने में भी मदद करती है। इसके साथ ही वल्नरेबिलिटी ट्रस्ट इश्यूज को और ज़्यादा डेवलप्ड करती है दोनों पार्टनर्स के बीच में, बिकॉज दोनों पार्टनर्स को पता होता है कि वो एक दूसरे को सबसे मोस्ट रॉ फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि सेक्सुअल इंटीमेसी के फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स भी देखे गए हैं। हमारी बॉडी जब स्ट्रेस या पेन को एक्सपीरियंस करती है तो हमारा ब्रेन एंडोर्फिन नाम का जो केमिकल हार्मोन है उसको रिलीज करता है, और सेक्स के दौरान भी यही हार्मोन बॉडी से रिलीज होता है जो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करता है और जो अटमोस्ट वेल बीइंग है उसको प्रमोट करता है। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो इम्प्रूव्ड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से है और ये हमारे स्लीप साइकिल्स को भी इम्प्रूव करता है। साथ ही जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हमें नींद अच्छे से आती है, अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जो पार्टनर्स हैं वो
रेगुलरली इन्वॉल्व रहते हैं तो उनकी जो स्लीप साइकिल है वो भी बेहतर होती है। फुलफिल्ड सेक्सुअल जो लाइफ है वो जो हमारे इम्यून फंक्शंस है उनको भी स्ट्रॉन्ग करता है और रिड्यूस करता है रिस्क को क्रॉनिक डिजीजेस वाले, और हमारे सेल्फ एस्टीम को भी बूस्ट करता है। साइकोलॉजिकली ये देखा गया है कि जब दो पार्टनर्स अपनी मैरिड लाइफ में सेक्सुअली हैप्पी होते हैं तो जो उनके अदर एस्पेक्ट्स होते हैं, वीकर एस्पेक्ट्स उनकी मैरिज लाइफ है, उनमें मिलकर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई मैरिड कपल अपनी लाइफ में जो सेक्सुअल उनकी लाइफ है उसमें हैप्पी हैं तो वो उनकी जो लाइफ है उसमें हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेसफुल मैरिज का एक तोहफा माना जा सकता है। कंटिन्यूसली जो रेगुलर बेसिस पे सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने वाले जो कपल्स हैं उनकी जो डिज़ायर होती है अपनी मैरिज को लेके और एक्साइटमेंट होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, बिकॉज मैरिज अपने आप में ही एक बहुत लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता है जिसमें बहुत सारे साल अगर रिलेशनशिप में या मैरिज में रहने के बाद लोगों में एक्साइटमेंट और डिज़ायर का जो लेवल है वो रिड्यूस होता जाता है, बिकॉज मैरिज एक अपने आप में एक बहुत लार्ज इंस्टीट्यूशन है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कपल को फेस करनी पड़ती हैं। तो सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ हैं वो उस डिज़ायर को और एक्साइटमेंट को बनाए रखने में भी मदद करती है, जिससे उनकी साइकोलॉजी और जो अपने रिलेशन के प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फील है उसको भी बरकरार रखता है। दोस्तों देखिए, मैरिज अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है लेकिन ये अपने साथ सर्टन चैलेंजेस भी लेकर आती है जो बेडरूम में कपल्स के बीच इंटीमेसी के लेवल को भी रिड्यूस करता है। इनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं कपल्स द्वारा वो है सेंस ऑफ रूटीन और फैमिलियरिटी। समय के साथ साथ जो रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट एंड नोवेलिटी है वो रिड्यूस हो सकती है जिससे पैटर्न्स जो है वो प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। इसलिए कपल्स के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है अपने रिलेशनशिप या मैरिज में उस स्पार्क को मेंटेन रखना ताकि दोनों अपने बीच में उस पैशन को जिंदा रख सकें। और दूसरा चैलेंज जो फेस किया जाता है कॉमनली वो है स्ट्रेस और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जैसे जैसे मैरिज लाइफ आगे बढ़ती है वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनके ऊपर और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। इसमें वर्क स्ट्रेस, फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो और जो अदर चैलेंजेस है लाइफ के उनके साथ साथ उन सभी चीज़ों का बर्डन मिलकर किसी भी कपल के जो एनर्जी लेवल है उसको रिड्यूस कर सकता है, और यही रीज़न है जिसकी वजह से इंटीमेसी और एक्साइटमेंट के लेवल जो हैं वो रिड्यूस होते हैं। तीसरा सबसे कॉमन जो चैलेंज है वो है लिबिडो, मतलब दो पार्टनर्स के बीच में सेक्सुअल डिज़ायर को लेकर डिफरेंसेस होना जो टाइम के साथ साथ एमर्ज हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो लाइफ है उसमें सेक्सुअल जो एक्टिविटी है उसके साथ साथ इमोशनल वैल्यूज़ भी अटैच होती हैं और दूसरी तरफ सेक्स एक प्लेजरेबल जो एक्टिविटी है वो भी कंसिडर की जा सकती है। इसीलिए जब ये इमोशंस पीक पर होते हैं तो सेक्सुअली डिज़ायर भी पीक पर होती हैं जो टाइम के साथ साथ मतलब चेंज भी हो सकती हैं। लेकिन अगर इसके बिल्कुल ओपोजिट जानवरों में देखा जाए तो उनमें जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं वो ह्यूमन की तरह लिबिडो मतलब उनके जो सेक्सुअल डिफरेंसेस हैं उनके बेस पर टारगेट या फिर एग्जिस्ट नहीं की करी जा सकती। उनमें ये सेक्सुअल डिज़ायर सिर्फ तभी आती हैं जब उनके रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, मतलब कि जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर का इस्तेमाल तब करते हैं जब सिर्फ उनको रिप्रोडक्ट करना होता है। पर ये ज़रूरी भी नहीं है कि इंसानों में जो लिबिडो का लेवल है वो सेम हो, एक में ज़्यादा और दूसरे में कम भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए जो विमेन हैं उनके मामले में ये माना जाता है कि मेल्स के मुकाबले उनमें जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो रिलेटिवली बड़ी कांस्टेंट होती है। जैसे कि मेल्स में जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है वो शादी के 5 साल तक ही मतलब वो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, उसके बाद जो उनका सेक्सुअल डिज़ायर्स है या एक्साइटमेंट है वो रिड्यूस होती है। लेकिन इसके मुकाबले में जो विमेन है उनका जो सेक्सुअल डिज़ायर है ओवर द पीरियड और ओवर द ईयर्स वो काफ़ी कॉन्स्टेंट देखा गया है। और अब यही सब चीज़ें, ये डिफरेंसेस कि एक पार्टनर का जो मन है, जो एक्साइटमेंट है, डिज़ायर है वो कांस्टेंट है और दूसरे का कम हो गया है, अब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा उन सब एक्टिविटीज़ में, तो ये दो पार्टनर्स के बीच में फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रस्ट मतलब और जो एम्बेरसमेंट उन सारी फीलिंग्स को जो है वो जनरेट कर सकता है। लेकिन ये हर पर्सन पर सेम अप्लाई नहीं होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है। जो फोर्थ चैलेंज है जो कॉमनली फेस किया जाता है शादी के बाद वो है बॉडी इमेज एंड सेल्फ एस्टीम। शादी के बाद कपल में जो बॉडी चेंजेस है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं और मेजरली ये जो चेंजेस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। विमेन केसेस में प्रेगनेंसी या बर्थ के बाद उनमें जो वेट गेन होना, सडन वेट गेन होना या बॉडी की शेप चेंज होना बहुत कॉमन बात है। दूसरी तरफ मेन में आफ्टर मैरिज फाइनेंशियल टेंशन या क्राइसिस या फिर अदर वर्कलोड प्रॉब्लम्स की वजह से बॉल्डनेस और बॉडी शेप्स या स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी कॉमनली देखी गई हैं। और अब इन सब इशूज़ के कारण ही जो एक पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, उनमें सेल्फ एस्टीम और बॉडी इमेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न जो है वो डेवलप हो जाते हैं।
और ये सभी जो कंसर्न्स हैं वो नेगेटिवली बेडरूम में उनकी डिज़ायर या फिर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डायरेक्टली हिट करते हैं। देखिए हर एक मैरिज और हर एक कपल्स के बीच में अलग अलग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन उन सब प्रॉब्लम्स के साथ स्पेसिफिक सरकमस्टांसेस एंड डिज़ायर्स के साथ डील किया जा सकता है, ताकि ये जो शादी नाम का इंस्टीट्यूट है और जो गाड़ी है लविंग स्मूथली चलने वाली मैरिज वाली, वो हमेशा अच्छे से चलती रहे। अब सेक्स किसी सक्सेसफुल मैरिज में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है या नहीं, इसका कोई सूटेबल आंसर तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये बात भी बिल्कुल ट्रू है कि सेक्स एक मैरिज में जो ट्रस्ट है, इमोशनल कनेक्शन है, या फिर जो मेंटेनिंग इंटीमेसी है, या फिर जो रिड्यूसिंग ट्रस्ट को रीगेन करना हो, या सेल्फ रिस्पेक्ट, या जो म्यूचुअल बॉन्ड्स है उसको इनक्रीज या इन्हेंस करने में या बेटर करने में अच्छा रोल निभाता है, ये एक सही बात है। साथ ही एक सर्टन ह्यूमन एज तक जो सेक्स है वो एक उनकी मतलब एक फिजिकल नीड है, एक जेन्युइन नीड है, तो एक सर्टन एज तक जैसे कि शादी के 5-10 साल तक 12 साल तक सेक्सुअली अगर आपके बीच में डिफरेंसेस आ गए, आप वाइड गैप आ गया, तो वो गैप आगे चल के आपकी पूरी मैरिज लाइफ को ख़राब कर सकता है। इस पूरे टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको क्या लगता है कि ये जो टॉपिक्स हैं इसके बारे में जो सोसाइटी में है वो खुल के बात होनी चाहिए या फिर नहीं, आपके सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।